गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का SBI सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। आज शनिवार का दिन और एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन, और एक्सचेंज ने मंडे 22 तारीख को हॉलिडे डिक्लेयर करी है, ट्रेडिंग हॉलिडे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको जो कल के मार्केट के अपडेट थे फ्राइडे के, और जिन जिन कंपनियों के नतीजे आए उनके बारे में अपडेट किया जाए। और इसी के चलते आज हम हर बार की तरह सैटरडे एक रेगुलर मॉर्निंग पॉडकास्ट कर रहे हैं। पहले देख लेते हैं कल US मार्केट में क्या हुआ। कल फ्राइडे लास्ट ट्रेडिंग डे था वीक का US में, और हमने देखा कि S&P 500 ने उसका ऑल टाइम हाई, लाइफ हाई का एक स्तर छुआ है, और जो S&P 500 इंडेक्स है तकरीबन 1.2% ऊपर था और बंद हुआ 4839 के लेवल्स पर। डाउ जोन्स जो था 1% ऊपर था, 395 पॉइंट्स ऊपर था, 37863 के लेवल पर बंद हुआ। नैसडेक कंपोजिट 1.7% बढ़ा और 15310 के लेवल्स के ऊपर आसपास बंद हुआ। ओवरऑल जो रैली चल रही है US मार्केट में, एक काफ़ी स्ट्रांग रैली है, और जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है अभी भी टेक्नोलॉजी स्टॉक के थ्रू आ रहा है। और एक इसका मुख्य कारण ये भी रहा है कि कल जिस तरह से हमने कल कहा था कि US में कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आएगा, वो डेटा कल इवनिंग में आया, और उसमें ये पाया गया कि वहाँ का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, इंडेक्स है, वो 21% बढ़ा है ईयर ओवर ईयर, और ये हाईएस्ट लेवल पे है जुलाई 2021 से। तो ये दिखाता है कि वहाँ के जो कंज्यूमर हैं, वहाँ की जो कंजम्पशन है वो काफ़ी रोबस्ट है। और कहीं ना कहीं अब स्ट्रीट का ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने के बावजूद US में कोई क्रैश नहीं होगा, इकोनॉमी सॉफ्ट लैंड होगी, ग्रेजुअली स्लो डाउन होगी, और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जितनी भी कंपनीज हैं उनके अर्निंग्स और प्रॉफिट में आते हुए दिखेंगे। और इसके चलते हमने US में कल रैली देखी। अब देख लेते हैं कि मार्केट के इंडिकेटर। कल US 10-ईयर बॉन्ड यील्ड 4.1 के आसपास रहा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। डॉलर इंडेक्स भी 103 के आसपास रहा। क्रूड ऑयल का के जो दाम रहे वो भी $78.5 एक रेंज में चल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कल भी था US में, वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है कल फिर से 6% लुढ़क कर 13.3% हुआ। जब भी वोलेटिलिटी इंडेक्स नीचे आता है तो मार्केट में एक बुलिशनेस का साइन दिखाता है, और वही हुआ कल। US में रैली हुई और वोलेटिलिटी इंडेक्स नीचे आया। सिमिलरली इंडिया में भी हमने देखा कि वोलेटिलिटी इंडेक्स कल 1% डाउन था और 13.9 के लेवल्स पर बंद हुआ। अब देख लेते हैं कल एशियन और यूरोपियन मार्केट में क्या हुआ। कल एशियन और यूरोपियन मार्केट मिक्स थे, और कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन के नंबर आए जापान में वो अनुमान से कम आए। 2.8% का इन्फ्लेशन का नंबर था, वो घट करके 2.6% आया, जो कि एक काइंड ऑफ अगेन अ पॉजिटिव साइन है जैपनीज इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। और यूरोपियन जिस तरह से हमने कल कहा था कि जो क्रिस्टिन लगार्ड है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट, उनका कल भाषण था, और उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ की जो इंटरेस्ट रेट की जो दरें हैं यूरोप में वो इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगी, थोड़ा समय लगेगा। और इसी का एक कहीं ना कहीं मिक्स रिएक्शन हमने कल एशियन और यूरोपियन मार्केट में आते हुए देखा। अब देख लेते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल काफ़ी दिनों के बाद एक पॉजिटिव डे था फ्राइडे के दिन, जहां हमने देखा कि सेंसेक्स तकरीबन 500 पॉइंट ऊपर जा करके बंद हुआ 71683 के लेवल्स पर, और निफ्टी है 160 पॉइंट चढ़ करके बंद हुआ 21622 के लेवल्स पर। अगर मैं फंड फ्लो की बात करता हूँ तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो सेलिंग है जारी है। कल हमने देखा कि 3,700 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने तकरीबन 2,650 करोड़ की बाइंग करी मार्केट से। मार्केट ब्रेड्स की बात करता हूँ तो कल मार्केट ब्रेड बुल्स के फेवर में था। 2,450 स्टॉक्स ने कल पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, और उसके सामने 1,367 स्टॉक ने निगेटिव में क्लोजिंग दी है। 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 389 स्टॉक्स ने कल 52 वीक हाई दर्ज किया। और अगर मैं BSE 500 की सूची देखता हूँ 52 वीक हाई की, तो उसमें सबसे ऊपर है RVNL, अपर सर्किट में बंद हुआ 292 रुपीज़ में। जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का जो फोकस सेक्टर है, गवर्नमेंट का जहाँ फोकस है, जैसे रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर कंपनीज पे, पावर सेक्टर पे, और इन्हीं स्टॉक में हम देखते हैं कि बार बार एक कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी खासी रैली आती है, और उसी तरह से मार्केट में ये रैली पैन आउट हो रही है।
आरबीएनएल कल अपर सर्किट में बंद हुआ 292 रुपीज़ पे। जीआईसी अगेन गवर्नमेंट की कंपनी है जनरल इंश्योरेंस स्पेस में, उसमें कल एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखा गया और 17% ऊपर बंद हुआ। हड़को 15% ऊपर 159 नया 52 वीक हाई दर्ज किया। इरकॉन 11% ऊपर 227 के लेवल्स पर। आरती इंडस्ट्रीज, इन्हें कल एक कॉन्ट्रैक्ट मिला 6,000 करोड़ का, जो कि लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके चलते इसमें 10% का उछाल देखा गया। IRFC, NBCC, JK पेपर, स्वान एनर्जी, इंटेलेक्ट डिजाइन, IRCTC, JM फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टर्लिंग विल्सन, SJVN, BHEL, JSW, इंजीनियर्स इंडिया, PB फिनटेक, मोतीलाल ओसवाल, ऑयल इंडिया, इंडियन होटल, क्यूमिन्स, PNB, ONGC, भारती, हिताची, NHPC, ICICI लोम्बार्ड, CEAT, IOC, पूनावाला फिनकॉर्प, ग्लोबल हेल्थ, बिरला सॉफ्ट, हिंद पेट्रो, होम फर्स्ट फिनेंस, ब्लू स्टार, ज्योति लैब, TV18, टाइटन, महानगर गैस, BEL, वैभव ग्लोबल, अपोलो हॉस्पिटल, BPCL, CESCL, IC हाउसिंग फिनेंस, एप्टस वैल्यू। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि 52 वीक हाई में मेजॉरिटी कल पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी और एक अच्छी खासी रैली हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी में देखी, और एट द सेम टाइम जो प्राइवेट सेक्टर से कंपनीज थी जिसने 52 वीक हाई दर्ज हो रहा है उसमें कुछ ना कोई एक पॉजिटिव डेवलपमेंट चल रही है, या तो उनके क्वार्टरली नतीजे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं या स्टॉक में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कॉमेंट्री या ऑर्डर फ्लो या कुछ डेवलपमेंट हो रही है। अब देख लेते हैं रिजल्ट कौन से कंपनीज के कल नतीजे आए और क्या हमारा एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर। सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमने देखा कि कोई बड़ा चेंज नहीं आया, रेवेन्यू तकरीबन फ्लैट रहा, 0.2% डाउन था। ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग ईबिटा जिसे कहते हैं हम, 0.8% डाउन था। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो तकरीबन 23.5% आया, 23.68 के सामने, तो 13 बेसिस पॉइंट से डाउन था। और जो नेट प्रॉफिट था 1% ऊपर था, तो काइंड ऑफ फ्लैटिश नंबर आए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के ओर से। और एट द सेम टाइम कंपनी ने जो अपना ग्रोथ आउटलुक है वो बहुत अच्छा नहीं दिया है। अभी भी उनका मानना है कि रूरल एरिया में, छोटे गांव देहातों में अभी भी डिमांड का इशू है, इन्फ्लेशन, महंगाई के चलते हुए कंज्यूमर वहाँ स्पेंड नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो अर्बन मार्केट है उसमें कहीं ना कहीं स्पेंडिंग जारी है, और इसी के चलते हमें लगता है कि अब हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो प्रॉफिट ग्रोथ है अब लो सिंगल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा अगले एक साल के लिए, और स्टॉक अभी कहीं नहीं जाएगा, मे बी एक रेंज में ट्रेड करेगा 2400-2500 के आसपास। सो इसमें कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हमें देखने नहीं मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, इसके नतीजे आए कल। हालांकि अगर अब ब्रॉड नंबर देखोगे तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, रेवेन्यू तकरीबन 3% डाउन रहा, इबिटा 0.8% रहा, नेट प्रॉफिट 0.8% नीचे रहा। बट रिलायंस में अगर आप डीप डाइव करेंगे तो इसमें ये देखा गया है कि रिलायंस का जो रिटेल सेगमेंट है इसमें एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। और अगर आपको याद होगा कि पिछले EGM में मुकेश अंबानी जी ने ये भी कहा था कि जो रिटेल बिजनेस है इनका सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहेगा, और वही उसी तरह से इसकी जो स्टोरी है वो पैन आउट हो रही है। रिटेल बिजनेस ने इसमें एक लीड लिया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एकदम, और टेलीकॉम बिजनेस उसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, सब्सक्राइबर का एडिशन हुआ है, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र हुआ रहता है वो फ्लैटिश रहा है। और हमारा ये मानना है कि जो आरपू है वो मे बी इलेक्शन के बाद शायद से बढ़ेंगे, तो इसी के चलते टेलीकॉम बिजनेस में भी आगे जाके ग्रोथ आएगी। और 5G के रिलेटेड जो केपेक्स जो कंपनी कर रही थी वो भी अब समाप्ति की ओर आ रहा है, तो इसके चलते जो कैश फ्लो है वो बढ़ेंगे और डेट कम हो सकता है। ऑयल एंड गैस बिजनेस प्रेशर में था क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस शटडाउन रहा है कंपनी की ओर से, और उसने ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस को नीचे खींचा। अब रिलायंस में आगे जो मेन ड्राइवर रहेंगे स्टॉक प्राइस के, वो बेसिकली तीन ड्राइवर होंगे। एक तो होगा कि डीमर्जर होगा रिटेल बिजनेस का कभी ना कभी, दूसरा टेलीकॉम बिजनेस का डीमर्जर हो सकता है, और तीसरा जो इनका जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस है, जो नया बिजनेस अब ये खड़ा कर रहे हैं रिन्यूएबल साइड में, वो बिजनेस अगले 3 से 5 साल में एक बड़ा कीकर दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली रिलायंस रडार पर होना चाहिए, और जहाँ रिटर्न एक्सपेक्टेशन 13 से 15% एनुअल रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। RBL बैंक, रत्नाकर बैंक ने कल एक
ठीक ठाक नतीजे डिक्लेयर करे हैं। एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम 21% ऊपर रहा, प्रॉफिट 12% ऊपर रहे। जो एसेट क्वालिटी है जिसे हम एनएनपीए और जीएनपीए कहते हैं वो भी काइंड ऑफ फ्लैटिश रहे। हमें लगता है कि आरबीएल बैंक भी एक रेंज में चलेगा और इसका जो फेयर वैल्यू है 280 to 290 रुपीज पर शेयर है अगले 3 से 6 महीने के लिहाज से। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण काफ़ी जोरदार नतीजे आए हैं कंपनी के। कल हमने देखा कि इसका जो रेवेन्यू है 42% ऊपर रहा, नेट प्रॉफिट 64% ऊपर रहा, 353 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है और काफ़ी स्ट्रांग सेट ऑफ नंबर आए हैं। माइक्रो फाइनेंस का फंडिंग करती है कंपनी और हमें लगता है कि इसमें एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्ट्रीट के नज़र में रहेगा और इसका जो फेयर वैल्यू है 2500 के ऊपर का फेयर वैल्यू रहेगा। इसकी जो पूरी डिटेल नोट है हम लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर रखी है। एट द सेम टाइम हमारी जो मॉर्निंग रिपोर्ट निकलती है उसमें हम ये सब डेटा कैप्चर करते हैं। मॉर्निंग रिपोर्ट आपको SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, या आप अपने एडवाइज़र या डीलर से कहेंगे SBI सिक्योरिटीज़ के तो वो आपको व्हाट्सएप पर भी फॉरवर्ड कर देंगे। इसके अलावा पेटीएम के भी नतीजे ठीक ठाक आए हैं। कहीं ना कहीं ये क्वार्टर में जिस तरह से RBI ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था अनसिक्योर्ड लोन पे, तो इनका जो BNPL प्रोडक्ट है बाय नाउ पे लेटर, उसमें कहीं ना कहीं लोन बुक में गिरावट आई है। इसके चलते पेटीएम का जो ओवरऑल नतीजे ऐसे ओवरऑल ऑप्टिकली ख़राब लग रहे हैं, पर कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी जारी की है जहां ये अपने फिर से ग्रोथ के स्ट्रैटेजी पे प्लान पे जाएंगे और इसमें जो निगेटिव रिएक्शन थी ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों पहले ही आ चुकी थी, जहां हमने देखा कि स्टॉक 900 से 1000 के रेंज में ट्रेड कर रहा था और वहां से लुढ़क कर 700 रुपये हो गया था। तो काइंड ऑफ एक न्यूट्रल रिएक्शन आज हम पेटीएम में देख सकते हैं। इसके अलावा और कौन से कंपनी के नतीजे अच्छे आए वो एक बार देख लेते हैं। एक छोटी कंपनी है वरेनियम क्लाउड करके, जिनका मार्केट कैप सिर्फ 518 करोड़ है। काफ़ी ज़ोरदार नतीजे डिक्लेयर करे हैं कंपनी ने। इनके जो सेल्स है 26% बढ़े हैं। इनका प्रॉफिट है 200% बढ़ करके 90 करोड़ का प्रॉफिट है, क्वार्टरली प्रॉफिट। बहुत चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है आज। हमें लगता है कि इसमें एक ज़ोरदार एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा जिस जो कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं वो है सिगाची इंडस्ट्रीज। सिगाची इंडस्ट्रीज में हमने देखा कि इनका जो प्रॉफिट है 64% बढ़ा है, टॉप लाइन भी 61% बढ़ी है, 16 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने, 2200 करोड़ का मार्केट कैप है, 74 रुपीस पर शेयर का दाम है। इनका एक नया प्लांट अभी ऑन स्ट्रीम जाने वाला है MCC का और इसका बेनिफिट अगले 3 से 4 क्वार्टर में आते हुए दिखेगा। ये स्टॉक भी स्ट्रीट के रडार पर रहेगी। इसके अलावा अगर कोई कंपनी जिसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक में हमने देखा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है हालांकि 6% नीचे था, 2000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है और हम देखते हैं कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है काफ़ी रिजनेबल है, 16 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। बट हिंदुस्तान जिंक की दिक्कत अलग है। इसमें इनके जो प्रमोटर जो है वो उनका जो पर्सनल लेवल पे कर्जा है उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आना बचा है, तो इसके चलते स्टॉक में शायद एक साइडवेज रिएक्शन इसमें आते हुए देख सकते हैं हम। एवेंटेल करके एक छोटी कंपनी है, 3000 करोड़ मार्केट कैप है कंपनी का। हालांकि कंपनी ने काफ़ी अच्छे नतीजे डिक्लेयर करे हैं, 125% से प्रॉफिट बढ़ा है, 17 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने, बट कंपनी के वैल्यूएशन थोड़े ऊंचे हैं तो काइंड ऑफ एक न्यूट्रल रिएक्शन आज हम एवेंटेल में आते हुए देख सकते हैं। एक दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक, कल इसके नतीजे कल मार्केट में आए थे, काफ़ी अच्छे नतीजे आए। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 6% थी, बट जो फ्यूल है, पावर और फ्यूल के जो दाम है वो जो घट रहे हैं उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कंपनी को मिला और इसके चलते हमने देखा कि प्रॉफिट तकरीबन 1800 करोड़ ईयर ओवर ईयर बढ़ करके 68% बढ़ करके 1775 करोड़ के आसपास आया है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली अल्ट्राटेक स्ट्रीट के रडार पर रहेगा और इसका फेयर वैल्यू जो है हमें लगता है कि 11,500 से 12,000 रुपये के आसपास का इसका जो फेयर वैल्यू है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक के भी नतीजे काफ़ी अच्छे आए। हमने देखा कि प्रॉफिट तकरीबन 55% बढ़ा है, 738 करोड़ का प्रॉफिट आया है
डिसेंट वैल्यूएशन पे चल रहा है। मुझे लगता है कि अब जो छोटी मझोली पब्लिक सेक्टर बैंक है जैसे सेंट्रल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, इसमें एक नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव आ सकता है अगले कुछ महीनों तक। दिग्विजय सीमेंट, इसके भी नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। छोटी कंपनी है, 1600 करोड़ का मार्केट कैप है, जो प्रॉफिट है तकरीबन 200% बढ़ा है, ईबिटा भी 200% बढ़े हैं, 31 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने। डिसेंट वैल्यूएशन पे चल रहा है, इसमें भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक पॉजिटिव रिएक्शन हम दिग्विजय सीमेंट में आते हुए देख सकते हैं। अब देख लेते हैं ऐसे कौन सी कंपनीज हैं जिनके आज नतीजे आएंगे। तो उसमें सबसे पहले ऊपर सूची में रहेगा ICICI बैंक, कोटक बैंक, इसके अलावा IRDA के यूनियन बैंक के नतीजे आएंगे, IDBI बैंक के नतीजे आएंगे, परसिस्टेंट सिस्टम्स के नतीजे आएंगे, JK सीमेंट, जम्मू कश्मीर बैंक, वारी रिन्यूएबल एनर्जी और राजरत्न ग्लोबल, इन सब कंपनीज के नतीजे आएंगे। अब देख लेते हैं ऐसे कौन सी कंपनीज हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक न्यूज़ फ्लो है और उसके चलते एक स्टॉक में रिएक्शन आ सकती है। तो सबसे पहले ऊपर है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक HFCL जिसे कहते हैं। कंपनी को 623 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को, जिससे 5G टेलीकॉम नेटवर्किंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगी हिमाचल फ्यूचरिस्टिक। एक इसमें एक शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव रिएक्शन आ सकती है। जी एंटरटेनमेंट और सोनी की जो मर्जर की लास्ट डेट है 20 जनवरी, अब ये माना जा रहा है कि इनके मर्जर की जो डेडलाइन है 30 दिनों से और एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि शायद मर्जर अब हो सकता है और जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर के लिए ये मर्जर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मर्जर नहीं होगा तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर ये और अगर ये मर्जर हो जाता है तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है हमें लगता है कि 350 से 400 रुपये भी हो सकता है, और अगर मर्जर कॉल ऑफ हो गया तो 150 रुपये भी हो सकता है। तो ये बहुत हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है, इसमें मर्जर की जो डेडलाइन है इसे ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। KPI ग्रीन एनर्जी, इन्हें 5.5 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर मिला है, एक पॉजिटिव रिएक्शन हम मार्केट में देख सकते हैं। कल जो एक डेवलपमेंट न्यूज़ रूमर घूम रही थी कि हल्दीराम है जो प्रताप स्नैक्स को एक्वायर करेंगे, ये जो डेवलपमेंट है इसे प्रताप स्नैक्स की मैनेजमेंट ने डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात चल नहीं रही है हल्दीराम के साथ, और इसका एक नेगेटिव रिएक्शन आज प्रताप स्नैक्स में हम आते हुए देख सकते हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज, इन्हें एनवायरमेंट छत्तीसगढ़ की जो एनवायरमेंट बोर्ड है उसकी एक परमिशन मिल गई है, जहां भास्करपुरा कमर्शियल जो माइन है उसमें से वो अपना माइनिंग कोल का माइनिंग कर सकते हैं। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है प्रकाश इंडस्ट्रीज के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। अब देखते हैं IPO ईपैक ड्यूरेबल, कल IPO ओपन हुआ, पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। हमें लगता है कि ये जो IPO है ईपैक ड्यूरेबल ये थोड़ा बहुत महंगा है। हालांकि कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है, जिस तरह से एम्बर काम करती है, बड़े बड़े ब्रांड के लिए AC बना के देती है ये, बट वैल्यूएशन काफ़ी ऊँचे लगे और इसी के चलते हुए हमने इसमें एक सब्सक्राइब करने की राय नहीं दी है, इसे अवॉइड करने की राय दी है। और इसकी जो डिटेल नोट है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी SBI सिक्योरिटीज़ की, और SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट में IPO सेक्शन में जा करके आप ये नोट पढ़ भी सकते हैं। अब देखते हैं कहाँ बल्क और ब्लॉक डील इनसाइडर ट्रेडिंग हुई। सबसे पहले मैं इनसाइडर ट्रेडिंग में फोकस करना चाहूँगा अवार्ड विजॉर्ड इनोवेशन, जो कि ईजॉय बाइक की कंपनी है, उनके प्रमोटर ने 21 लाख शेयर मार्केट में बेचे, मार्जिनली निगेटिव न्यूज़ है। हाईटेक पाइप के प्रमोटर ने भी अपना कुछ शेयर ऑफलोड किए और सामने इंस्टीट्यूशन ने बाय किए हैं। हाईटेक पाइप हमें इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अगर मुझे आज का डिस्कशन समअप करना होगा तो मार्केट में ओवरऑल जो फ्राइडे सिंस लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ वीक था सभी ग्लोबल मार्केट्स के लिए, उसमें US मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांग क्लोजिंग दी है फ्राइडे को, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। हालांकि यूरोप और एशियन मार्केट्स ने कहीं ना कहीं मिक्स क्लोजिंग दी है। इंडियन मार्केट में 3 दिन के गिरावट के बाद कल एक पॉजिटिव 17 रहा मार्केट के लिए, और मुझे लगता है कि मार्केट अभी कुछ टाइम और कंसोलिडेट करेगा एक सर्टन रेंज में, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा। जिस तरह से कल हमने देखा कि PSU कंपनीज में एक अच्छी खासी रैली आई, उसी तरह जो जो कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं या फिर जहां गवर्नमेंट का फोकस है अपकमिंग बजट में, जैसे रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर बैंक, टू सम एक्सटेंट पावर सेक्टर, प्राइवेट साइड में जिन बैंकों के NBFC कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं वहाँ फोकस करना चाहिए, ऑटो एंसिलरी कंपनीज
के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है मार्केट। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे जो रिसर्च कॉल है आप उसे डेलीजेंटली फॉलो कीजिए और थोड़ा सा लीवरेज कम रख के काम करना है, ओवर लीवरेज रख के काम नहीं करना है। थोड़ा सा मार्केट चौपी है, वोलाटाइल है, ओवर लीवरेज रखेंगे तो कहीं गलत डिसीजन लेने के भी चांसेस हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, आपका समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.